हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिक्स चैप्टर टू, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइस. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, इनइक्वालिटी असमानता, स्टीरियोटाइप मीन्स रूढ़िबद्धता एंड प्रेजुडाइस मीन्स पूर्व धारणा. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. लेट्स रीड. डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबली देन अदर्स. This may be because of their skin color, gender, nationality, religion, culture, status, disability, age and many more aspect. Discrimination, भेदभाव क्या है? Treat करना group of people को या फिर individual भी हो सकता है, दूसरों की अपेक्षा थोड़ा कम favor देना उनको, उनके साथ भेदभाव करना. ये किस कारण से होता है? Students, this may be कई कारण हो सकते हैं. स्किन कलर के कारण, जेंडर लिंग के कारण, बॉय एंड गर्ल के बीच में, नेशनलिटी के कारण, उनके रिलीजन धर्म के कारण, उनकी संस्कृति, उनके स्टेटस, उनकी एज, कोई भी हो सकता है. एंड इन दिस केसेस जो लोग डिस्क्रिमिनेटेड किए जाते हैं उन्हें इन्फीरियर जज किया जाता है. ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में स्टूडेंट्स, कुछ जो बच्चे साइड में सेंटर वाले स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं. क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन में, कई बार उन्हें हर्टफुल नेम से कॉल किया जाता है, उन्हें पुकारा जाता है. हो सकता है उसे उसके स्पेक्स के कारण उसे टीज कर रहे हों, उसके कर्ली हेयर के कारण कर रहे हों. ये सब क्या शो करता है? डिस्क्रिमिनेशन. और क्या होता है स्टूडेंट्स? भेदभाव करना. क्या होता है कि सेम जॉब करते हुए एक ही पर्सन सेम जॉब कर रहा है, लेकिन एक पर्सन को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, दूसरे को कम मिल रही है. दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कई बार घर पर भी होता है कि एक बच्चे को ज़्यादा दे दिया, तो वो हो नहीं, लेकिन अगर बच्चे के मन में अगर ये बात आ जाती है, पेरेंट्स के लिए तो सभी इक्वल होते हैं, बट कई बार क्या होता है, बॉय को अगर ज़्यादा दे दी, गर्ल को थोड़ी सी ड्रेसेस अगर उनकी ज़्यादा आ गई या आपकी कम आ गई, तो ये क्या मान लिया जाता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है. दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. वट आर द रीजन्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन? क्या क्या कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स? टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिमिनेशन बेटर, अच्छे से जानने के लिए आपको कि कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती हैं, तो यू शुड नो टू मोर टर्म्स. व्हाट आर दे? दे आर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइस. व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप्स? अ स्टीरियोटाइप्स इज़ अ फिक्स्ड आइडिया और बिलीफ अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप, इंडिविजुअल और अ थिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रायर अजम्पशन. स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्ध करना, फिक्स कर देना अपने विचार को, अपने विश्वास को किसी एक ग्रुप के लिए, या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो भी. ये केवल किसके ऊपर डिपेंड होता है? आधारित होता है प्रायर अजम्पशन पे, उनकी पूर्व धारणा पर. दिस क्लासिफिकेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये जो धारणा है, इनका जो वर्गीकरण है, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. इफ़ यू से दैट वीमेन आर गुड होम मेकर्स एंड बैड ड्राइवर्स, यू आर स्टीरियोटाइपिंग फीमेन. यदि आप कह देते हैं कि जो औरतें हैं वो अच्छी होम मेकर हैं और अच्छी बैड ड्राइवर हैं, तो आप किसको स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं? वीमेन को, कि औरतें जो है ना घर का काम ही अच्छे से कर सकती हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द मैन आर स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल, यू आर स्टीरियोटाइपिंग अ मैन. गॉट इट? नेक्स्ट वन इज प्रेजुडाइस. प्रेजुडाइस लिटरेरी मीन्स प्रीजजिंग समवन एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रायर अजम्पशन. पूर्व धारणा, पहले से जज करना उसको बिना कुछ जाने उसके बारे में, आपने पहले से धारणा बना ली उसको देखते ही, पूर्व धारणा कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा या ये ग्रुप ऐसा ही है, तो दिस इज ऑलवेज अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पीपल एंड थिंग्स विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स. ये केवल एक नकारात्मक विचार रहेगा प्रेजुडाइस में, कि आप उसके बारे में बिना कुछ जाने ही केवल गलत ही धारणा बना रहे हैं. दस प्रेजुडाइस मीन्स टू जज समवन नेगेटिवली और सी हिम एज इन्फीरियर. लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ प्रेजुडाइस. अगर आपने किसी को देखा, आपके घर पर कोई आ जाता है, आप देखते हो कि उसके कपड़े थोड़े से, जो उसकी ड्रेसिंग सेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़े बहुत उसके कपड़े फटे हुए हैं या कैसे लगा लो, तो आप ये सोच लोगे कि ये पर्सन ऐसा ही है,
ये पुअर होगा, लेकिन मे बी वो बहुत ज़्यादा रिच हो, हमें ऐसे इमेजिन तो नहीं करना ना, लेकिन आपने धारणा बना ली उसको देख के और आपके मन में यही बात आ गई। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, इमेजिन यू आर अ नॉर्थ इंडियन, आप नॉर्थ इंडियन हैं, एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है साउथ इंडियन, आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेता है, उसका स्किन कलर अलग होगा आपसे, उसके मैनर अलग होंगे, तो आप उसको देख के अगर मिमिक्री कर रहे हैं, उसके उसके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो आप क्या शो कर रहे हैं? प्रिजर्डाइज, कि आपने पहले से आपको लगा कि ये काला है या वैसे है, इसके कर्ली हेयर है या कुछ भी, देख के उसके बारे में आप जो गलत धारणा बना रहे हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्डाइज। नेक्स्ट वन इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। असमानता क्या होती है? जब हम समान जो व्यवहार, इक्वल जो बिहेव जब नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि अगर जो वीमेन है मोस्टली डिस्क्रिमिनेटेड होती हैं अगेंस्ट एट वर्क प्लेसेस, उनके ऑफिस में भी वर्क प्लेसेस जहाँ पर भी वो काम कर रही हैं, एंड इवन एट होम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता वेल्थ का, प्रॉपर्टी का, एंड अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। कई बार क्या होता है, आप घर पर ही एग्जाम्पल ले लें कि आपके पेरेंट्स कई बार क्या कह देते हैं कि नहीं आप घर लो, आपको इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, दिस इज़ इनइक्वालिटी। और वही बात अगर आपके ब्रदर को जाना हो तो उन्हें भेज दिया जाता है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, उनके ऑक्यूपेशन को लेके अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आपको परमिशन मिल जाती है, आपकी सिस्टर को नहीं मिलती है, तो दीज आर और एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल है जो ये शो करते हैं इनइक्वालिटी को। ओके, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किन किन फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन होता है? फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर भेदभाव, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया बॉय एंड गर्ल के बीच में। कई बार क्या होता है कि लड़कियों को बाहर जाने की जो परमिशन नहीं होती है, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, गर्ल्स एंड वीमन के साथ उन्हें थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अनइक्वल ट्रीटमेंट टू गर्ल्स और वीमेन, कंसिडरिंग दैम इन्फीरियर टू बॉयज और मैन, उनके साथ समान जो व्यवहार नहीं किया जाता। इससे हमारी सोशल एविल्स भी जो ज़्यादा बढ़ती हैं, डोरी सिस्टम हो गया जैसे कि। ओके, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत से लॉन्च किए हैं वर्क, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की है, तो ये किसके लिए है? ताकि डिस्क्रिमिनेशन न हो गर्ल्स के साथ। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, दिस इज पिक्चर रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जो रेस रिलेटेड भेदभाव, एक ही जैसे जो स्किन, वी विल रीड अबाउट रेसिज्म, रेस, व्हाट इज रेस, लेट्स रीड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। रेस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स सच एज अ स्किन टोन, हेयर टेक्सचर एंड फेशियल फीचर्स। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट स्किन कलर, जो एक ही जाति से एक ही रेस से जो बिलोंग करते हैं उनके जो स्किन टोन जो है, हेयर टेक्सचर हो गए, अभी आपने जो पिक्चर में देखा तो जो ब्लैक पीपल थे उन्हें कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी, वाइट पीपल को वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो था जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ एनी एक्ट दैट ट्रीट्स पीपल ऑफ अदर रेसेस इन डिफरेंट मैनर। उन वाइट पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उन्हें परमिशन होती थी आने की हर जगह, बट जो ब्लैक पीपल होते थे उन्हें एक साइड में एक तरफ कर दिया जाता था, उन्हें एवरी वर्क में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी उतनी जितनी वाइट पीपल को दी जाती थी। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेस, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। ये जाति के जो आधार पर क्या होता था, जो थोड़ी लोअर कास्ट के पीपल होते थे, लोअर कास्ट स्टूडेंट होते थे, उन्हें अलग बिठा दिया जाता था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। ये जो अलग बिठाई गई हैं गर्ल, ये क्या शो कर रही है कि इसे लोअर कास्ट से बिलोंग करती होगी, इसे इसलिए अलग बिठाया गया था। ये पहले एंशियंट टाइम में हुआ करता था,
कास्ट सिस्टम इन एंशियंट प्रैक्टिस इन इंडिया विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय के आधार पर थी आधारित थी। द फोर मेन कास्ट आर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शुद्ध। ब्राह्मण जो था उसे सबसे अपर पे, क्षत्रिय जो योद्धा, वैश्य जो ट्रेडर्स एंड शुद्र, शुद्र वर रिलेटेड टू लोअर कास्ट। स्टेप्स टुवार्ड्स इक्वेलिटी, अब जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता था इनको रोकने के लिए, समानता लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं। व्हाट आर दे? द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम फंडामेंटल राइट्स टू गारंटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन। दीज राइट्स आर इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या क्या प्रोवाइड किया? रिलीजियस फ्रीडम, धर्म को अपनाने की जो हमारी स्वतंत्रता है ऑल सिटीजन्स को मिली। डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सेकुलर स्टेट, जब भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, किसी भी धर्म को व्यक्ति अपना सकता है। दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ना ही वो धर्म पे, ना रेस पे, ना ही कोई जाति के आधार पर। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिव्स ऑन वन द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस वंस व्यूज थ्रू प्रेस असेंबली एट्सेट्रा। कोई भी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति कोई भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है। ये सब कार्य करके गवर्नमेंट ने समानता लाने का एक प्रयत्न किया है। थैंक यू।